generation has already served by the entity of Nikkamal Jewelry, which is expertise over 128 years. Every Forevermark Diamond undergoes a journey of rigorous selection. Forevermark Diamonds come from sources committed to the... After diamond, you will say, you should look at your diamonds, yes sir. And secondly, you know, the creativity which you have worn. In this jungle of diamonds and design, we will be the best with you people. If you have a sport, we will be Punjab in number one. That it will be a forever mark jewelry. Because, you know, it's so interesting that the diamond that I'm wearing, it has gone through so much of effort and like from the mind. When it's crafted to perfection, it becomes a jewelry and it's right here. But there's a huge process to it, and with forever mark, because they're so, you know, in it, they make sure that every process is carefully monitored, and once they're completely satisfied, there's a special inscription on each. Gone beyond that to be able to still carry on. So that's really quite outstanding. And I feel really honored to be a part of this kind of association. That's why I would really like to thank you. Indian cricket team, women cricket team, you are a sport person, you are the first one. No, मैं पहली स्पोर्ट्स तो मैं दंगल के साथ ही आई हूँ. उससे पहले ना मैंने स्पोर्ट्स देखा है और ना खेला है. बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है. एंड वी आर प्राउड ऑफ इंडियन टीम. सो को इंडिया एक्चुअली ये सच नहीं है. आजकल स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट किया जा रहा है. बहुत सारी लीग शुरू हुई है एंड कबड्डी टेनिस बहुत चेंजेस आ रहे हैं. लोग देख रहे हैं और लोग बात होना चाह रहे हैं इन स्पोर्ट्स का. बहुत अच्छा लग रहा है लुधियाना पहुंच के, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पेशल है. मेरी ये जो दंगल की जर्नी है, जो सफ़र है, वो यहाँ से शुरू हुआ है. तो मेरा एक्चुअली फिल्म का जो पहला सीन है वो लुधियाना में शूट हुआ है. तो जब मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे नॉस्टैल्जिया होता है और बहुत अच्छा लगता है, यादें आती है. तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान वायरफ की फिल्म है. अमिताभ सर और आमिर सर भी उनमें, तो मैं उनके साथ वो फिल्म कर रही हूँ. मैं नहीं बिलोंग करती, मेरी मम्मी कश्मीर के, मेरे पापा जम्मू के. मैं तो बॉम्बे में बॉर्न और ब्रॉट अप हुई हूँ, तो मैं ज़्यादा मराठी मुल्के आए जास्त. एक्चुअली मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें भी मैं एक वॉरियर प्ले कर रही हूँ. तो लगता है मैं लाइफ भर मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी ऐसे स्टंट्स. आई एम लाइक इट्स अ पीरियड हाँ बेस्ड फिल्म है. तो उसमें मैं बस एक वॉरियर जैसे पुराने टाइम में होते थे ना, बिल्कुल वैसा. तो मेरा लुक बिल्कुल अलग है, दंगल जैसा लुक नहीं है, लंबे बाल है. मुझे तो शाहरुख खान के साथ शूट करना है, मुझे उनसे बहुत प्यार है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट फिल्म हो और अगली 10-15 फिल्म जो हो वो शाहरुख खान के साथ हो. बट वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सपोर्टिव एक्टर है, और उनके साथ वो मैं लकी हूँ कि उन्होंने वापस मुझे उनके साथ वापस काम करने मिला. आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर है. आई थिंक पहली बात तो है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. पब्लिक स्पेस को सेव करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी जाए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जगह सेफ होगी. तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आप डरो या आपको ये करना नहीं चाहिए. किसी को रोकने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए. आपने देखा? नहीं नहीं, ये थग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं. नहीं, मैं ट्रेनिंग जो कर रही हूँ उस फिल्म में, उसमें मुझे
काफ़ी फास्ट, जैसे दंगल में काफ़ी ग्राउंडेड था, इसमें मुझे जंप करना है, कूदना है, कार्टवील करना है, तो इसलिए लग गया। एक दूसरे से मोहब्बत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, गांधी जी को याद करो, बस मतलब